तो यार हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से हो। चलें जी, आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को सुबह खैर, बिकॉज़ अभी जो है ना सुबह के मेरे ख्याल से 10 बज रहे हैं और आपका भाई उठ चुका है नींद से, क्योंकि रात एडिटिंग करते हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। खैर एडिटिंग तो कोई ख़ास नहीं की, लेकिन फिर भी एडिटिंग करते हुए रात हो गई और वीडियो अभी मैं उठाऊँ तो अभी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए। वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि मैं वीडियो अपलोड कैसे करता हूँ अपने घर में, यहाँ पे कितनी मुझे मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है और कितनी मुझे कितना मतलब मुझे मैंने मेहनत करना होता है कि मैंने वीडियो अपलोड करनी है आप लोगों के लिए। और आप लोग हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लेकिन उससे पहले जो है ना भाई साहब मैं नहा धो के फ्रेश हो जाऊँ, फिर जो है ना आप लोगों से मिलता हूँ इंशाल्लाह ताला। ठीक है भाई साहब, अभी चलते हैं नहाने। नहाने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं कैसे जो है ना वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए। उसके बाद जो है ना भाई साहब अपन लोग अचार जो बनाया था वो भी मैं आप लोगों के लिए दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। अचार जो है ना वो भी बना जो है ना उसका मसाला वगैरह सब कुछ लेके आ गए थे घर वाले, वो उसको बाल्टी में डाल भी दिया है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मेरी मेहनत कितनी रंग लाई है और अचार कैसे सब लोग खाएंगे। ठीक है भाई साहब, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, और वो कबूतर चेक करें भाई साहब, देख रहे हैं ये कबूतर, और मौसम भी चेक करें यार, मौसम भी बड़ा ही प्यारा हो रहा है। वैसे है सही धूप, ये देखेंगे धूप है सही थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी समझ नहीं आ रही कि धूप है। ठीक है भाई साहब, फ्रेश होके फिर आप लोगों से मिलता हूँ। तो हाँ यार भाई साहब, मैं गाड़ी देखने आया था जिसकी पूरी मतलब के ये सीट वगैरह जो है ना निकले हुए हैं, और अभी जो है ना ये मैं गाड़ी चेक करें भाई साहब कैसे लग रही है। पीछे वाला शीशा भी जो है ना चेंज करवाना था, और अभी इसको शावर करने के लिए भी दे के आना है मुझे। हाल ही फिलहाल जो मेरा दोस्त था जो जिसको मैंने दिया था गाड़ी, वो अपना लेके आ चुका है गाड़ी को अपने घर पे, तो मैंने सोचा क्यों ना गाड़ी देख लूँ, उसके बाद चलते हैं हलानी। हलानी जैसे ही पहुँचा तो भाई साहब ये चेक करें, मिर्चों वाले पकोड़े मुझे बहुत ही अच्छे लगे, मतलब देखने में अच्छे लगे और खाने में भी वैसे बहरहाल अच्छे थे। और जलेबियाँ दिखी वो भी हलानी में, तो भाई साहब मैंने सोचा कि क्यों ना अपने लिए भी ले लूँ और आप लोगों के लिए वीडियो भी बना लूँ। वैसे चाश में देखें ऐसे डुबा के भाई साहब ये जलेबियाँ दे रहे थे, तो मैंने भी देर ना की अपने अपने लिए और अपने घर वालों के लिए ले ली। वैसे मैंने वहाँ पे खाई कुछ भी नहीं, हलानी पहुँच के ही। वैसे अभी मैंने ये फिर से दूसरा डोज लगा रहा है, ये चीज़ मुझे बड़ी प्यारी लगती है जलेबियाँ बनाते हुए। और भाई साहब गाड़ी जो है ना वो भी मतलब अभी शावर के लिए देख के मैं वापस ही आ रहा था हलानी। ठीक है भाई साहब, अभी अब्बू की गाड़ी लेना है और उसके उस पर चलना है भाई साहब हम लोगों ने मेहरापुर। ठीक है भाई साहब, तो अभी ये जलेबियाँ बन रही हैं, अभी वेट कर रहे हैं भाई साहब हम लोग भी अपना, जलेबियाँ अगर बन जाएँ तो फिर जो है ना भाई साहब चलते हैं हम दूसरे कामों की तरफ। ठीक है भाई साहब, और ये देखें नाइस मतलब बिल्कुल न्यू तरीके से फिर से ये पका रहा है पकौड़े मिर्चों वाले। ठीक है भाई साहब, चेक करें गरम गरम तेल में जो है ना तल रहा है भाई साहब, ये चेक करें, चलते हैं घर। तो हाँ यार भाई साहब, नहा धो के मैं जैसे ही फ्रेश होके आया तो अबू ने बोला कि भाई साहब आपकी जो गाड़ी है ना जो डेंटर बना रहा था वो भी अपने गांव का था, तो मैं जो है ना भाई साहब वहाँ से चला गया अपनी गाड़ी देखने, क्योंकि उसने 2-3 दिन दुकान बंद करनी थी। तो मैं चला गया भाई साहब वहीं से ही दुकान, तो उस भाई के घर, वहाँ पे जाके अपनी गाड़ी देखाया। और गाड़ी देखने के बाद अबू ने कहा कि थोड़ा सा काम था मुझे एटीएम में और वीडियो भी अपलोड करनी थी आप लोगों के लिए, तो मैं भाई साहब चला गया वहाँ से हलानी। हलानी गया तो फिर थोड़ा थोड़े बहुत सिनेमेटिक शॉट पकौड़े लिए और भी जलेबियाँ लिए, उसके लिए मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली, मैंने बोला ब्लॉग बन जाएगा। लेकिन वहाँ पर पता चला कि भाई साहब माइक तो मेरा काम ही नहीं कर रहा, मेरा माइक जो है वो मतलब के खुश हो गया। तो फिर मैं आया घर, मोबाइल चार्ज वो माइक चार्जिंग पे लगाया, फिर मोबाइल चार्ज किया, और उसके बाद जो है ना भाई साहब अब्बू को हिसाब किताब दिया। उसके बाद मतलब कि मैंने पिछली वीडियोस देखी,
और वीडियो पोस्टिंग पे लगा दी, मैंने काफ़ी सारा काम किया। और अभी जो है ना भाई साहब, मैं जा रहा हूँ मेहरापुर, अपने थोड़ा सा काम है वहाँ पर भी, और वहाँ पर भी इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि ब्लॉग बना पाऊँ। तो हाल ही फ़िलहाल मैंने अब्बू से गाड़ी ली है और मैंने कहा कि भाई साहब हाल ही फ़िलहाल मुझे दे दें कुछ घंटों के लिए। अब उन्हें कहा खैर आप ले जाएँ, अब्बू हाल ही फ़िलहाल घर बैठेंगे और मैं उनकी गाड़ी लेके जाऊँगा। तो हाल ही फिलहाल ये देखें मोबाइल चार्जिंग पे लगा दिया है, व्लॉग भी अपलोड हो रहा है, चार्जिंग पे भी लगा दिया है। ठीक है वैसे यार, अब्बू के गाड़ी में ये वाला चार्जर लगा हुआ है जो कि मेरी गाड़ी में नहीं है, और अभी जो है ना बनने के लिए नहीं, ये मेरे गाड़ी का चार्जर है, अब्बू के पास वैसे चार्जर नहीं था गाड़ी का। ठीक है भाई साहब, तो मैंने यही सोचा कि अभी जो है ना मैं मेहरापुर जाऊँगा, और वो भी अकेले नहीं जाऊँगा, भाई को लेके जाऊँगा साथ में, और फिर वहीं चल के आप लोगों से मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है भाई साहब, और गाड़ी की भी मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन वहाँ पे मुझे पता चला कि माइक मेरा काम नहीं कर रहा भाई साहब। वहाँ पर मुझे हलानी में पता चला कि मेरे मेरा जो माइक है ना वो काम नहीं कर रहा, उसकी बैटरी जो है ना वो डेड हो चुकी है। तो अभी जो है ना मैंने बैटरी इसकी चार्ज की है। ठीक है भाई साहब, अभी मेहरापुर चल के आप लोगों से मिलते हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. तो हाँ यार भाई साहब, मेहरापुर में मुझे एक काम यही था, फैमिली के साथ था, मतलब कि डिनर करना था। वो सब मैं फैमिली के साथ आ चुका हूँ डिनर करने। अभी जो है ना घर पे चल के, मुझे तो नींद आ रही है, घर पे जाके मैंने सोना ही है। तो हाँ यार भाई साहब, फाइनली फाइनली भाई साहब, मैं तो घर आते ही जो है ना भाई साहब सो चुका था, और सोने के बाद अभी जैसे ही उठा तो अब्बू ने कहा भाई साहब कल वैसे आप लोग घूम के आए थे, लेकिन मुझसे गलती से जो है ना सीएनजी और पेट्रोल का पता नहीं चला मुझे, और मैं गाड़ी को पेट्रोल पे चलाते हुए आया था, और अभी जो है ना गाड़ी का ये खुला हुआ है। तो अभी जो है ना इसको थोड़ा अब्बू पता नहीं क्या सेटिंग कर रहे थे, मुझे नहीं पता। ठीक है भाई साहब, अभी अब वो सेटिंग कर रहे थे, तो अभी इसको जो है ना नीचे उतार के रखना है मैंने। उससे पहले मैं आप लोगों को जो है ना एक चीज़ दिखा दूँ, जिसकी जिसकी हम जिस चीज़ों की हम लोगों ने व्लॉग भी बनाया था, मतलब कच्चे आम थे और काफ़ी सारा कुछ मैं लेके आया था, उसका मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि आज रिजल्ट क्या है। थोड़े मसाले वगैरह अभी इसमें ऐड किए हैं, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि उसका जो है ना नतीजा क्या निकला। उसका नतीजा ये निकला है, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मैंने अचार बनाना है अपने लिए, अपने लिए नहीं, मैंने घर वालों ने अपने लिए अचार बनाना है, तो मैं भी घर वालों के साथ ही आ जाता हूँ। तो फाइनली फाइनली आज जो है ना भाई साहब ये देखने लायक और मतलब कंप्लीट बन चुका है। ये वो चीज़ है जो कि मैं लेके आया था, इसको उर्दू में पता नहीं क्या बोलते हैं। ठीक है भाई साहब, और ये कच्चे आम हैं, और ये मतलब के वो हैं मिर्चे हैं, और ये कच्चे आम, और ये पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे नहीं पता, अम्मा नाम ले रही थी, मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है भाई साहब, तो ये था आज का व्लॉग, और आज दूसरा दिन शुरू हो गया, तो आज दूसरा व्लॉग भी बनाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मज़ी आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। ठीक है भाई साहब, थक गया था भाई वीडियो बनाते बनाते। ठीक है वैसे मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, ना ही वीडियो को लाइक करते, और ना ही आप लोग फेसबुक पे मेरे पेज को शेयर ही करते हो। तो यार पेज को शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है भाई साहब, तो ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले और वो लोग भी फॉलो कर सकें। ठीक है भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।